WSB के अगेंस्ट फाइट करे एंड 8-bit उस चीज का सही फायदा उठाए, बट कहीं ना कहीं Z God ने माइटी को डाउन कर दिया है। माइटी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, रेडन को स्पॉट किया जाएगा, मैडमैन भी यहाँ पर स्पॉट हो जाएंगे। बीस द लास्ट मैन स्टैंडिंग, इधर बीस के हाथों बहुत ही सारे प्लेयर्स नॉक हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गॉड लाइक लेके जाएगी 8-bit को एंड साथ थोड़ी सी मुश्किलों में बढ़ सकते हैं एस पावर, जिनके हाथ में पावरफुल अंदाज़ है। बट अभी के लिए मोस्ट आइकॉनिक मच वेटेड फाइट टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल का भी हमें देखने को मिलता नजर आएगा। देखते हैं कि इस फाइट में क्या टीम सोल जो फुल इंफॉर्मेशन फुल इंटेल के साथ अभी के लिए दस्तक दे चुकी है, Z God के ग्रेड से अक्षत का ओपन नॉकआउट। Z God जो कोई कोशिश करेंगे फ्लैंकिंग एंगल निकालने का ट्राई जरूर करेंगे, बट इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि अभी भी चर्च के अराउंड पे कोई खिलाड़ी यहाँ पर हो सकते हैं, स्टर्न ग्रेड सब कुछ यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। न्यू का भी इसी बीच यहाँ पर नॉकआउट होते नजर आएगा, मतलब अभी के लिए बराबरी का सिलसिला चलता नजर आएगा। लेकिन TBS क्या सामने से नियो को निकाल पाएगी, नहीं फिलहाल के लिए तो पूरी तरीके से एस पावर उसी TBS के ऊपर निर्भर है। और जी हाँ, उस पर निकालेंगे भी जरूर, जब कॉन्फिडेंस होता है तो जी हाँ कोई गन स्विच आपको देखने को नहीं मिलता है। बट अभी भी ये चर्च की फाइट, कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए इस चीज का हम यहाँ पर अंदाजा नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं प्रॉपर फाइट हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कल भी यहाँ पर टीम सोल वर्सेस गॉड लाइक हुआ था, बट वहां पर थर्ड पार्टी के चलते पूरा पानी के पानी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस होता नजर आता। बट अभी के लिए नियो जितना जल्दी हो सके उनके साथ ही यहाँ पर रिवाइवल दे तो बेहतर रहेगा। बट जॉनाथन फिलहाल के लिए क्लोज रेंज के लिए जरूर जाने वाले, बट सामने चैलेंज देने के लिए हेक्टर भी यहाँ पर नॉकआउट पड़े हुए, तो काफी मुश्किल रहेगा। बट जॉनाथन कोशिश करें डिस्ट्रैक्शन की, हो सकता है कि ऊपर से ही वो डायरेक्टली स्लैमिन करते हुए नजर आ जाए। एस पावर का भी यहाँ पर साथ जरूर है, बट जितना जल्दी हो सके Z God को बचा लिया तो बेहतर रहेगा। बट गॉब्लिन फुल हील होना चाहते हैं, फुल बूस्ट होना चाहते, उसके बाद ही जॉनाथन शायद नीचे जंप लगाकर गॉब्लिन का अंत करने के बिल्कुल कोशिश में लगेंगे और सीधा जंप एंड फायर। बट गॉब्लिन क्या कर पाएंगे, दोनों तरफ से डिस्ट्रैक्शन है, क्या ही कमाल का एक स्मार्टनेस दिखाएगी यहाँ पर जॉनाथन एंड एस पावर के द्वारा। मतलब एस पावर को बोला कि आप मेन गेट से आइए, मैं छत से बिल्कुल कूदूंगा और सरप्राइज करूंगा। तो यहाँ पर टीम सोल का अंत होता नजर आएगा, मतलब आप देखिए टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है Z God, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं एक सामने जोकर प्लेयर आए, ख्याल से जॉनाथन को पता चल चुका है कि एक ना एक प्लेयर नीचे छुपा हुआ है। दोनों के दोनों हमारे प्लेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने जा चुके हैं। एस पावर जॉनाथन बेहतरीन तरीके से TBS का यूज करते हैं सैयद को स्पॉट, जिसमें आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं करा तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। सबसे रिक्वेस्ट यहाँ पर रहने वाले जॉनाथन यहाँ पर आरू को ऑफ गार्ड कैचेंगे, इंस्टेंट नॉक हमेशा की तरह वो एडवांटेज लेती है। ओजी के एक के ओपी डाउन हो चुके हैं, जॉनाथन जिनके यहाँ पास 7 फिनिशेस है, टीम साई के एटलस देखने को मिलेंगे सामने, एक प्लेयर को उन्होंने फिनिश जस्ट अभी अभी किया है क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत अपने आप को हाइड करके रखे हुए साध, जो कि ये जानते तक नहीं है कि इस जॉनाथन किधर छुपे हुए हैं एंड जॉनाथन के हाथ में DBS गन रह सकती है। एक प्लेयर को जस्ट उन्होंने स्पॉट किया है, डाउन कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली साध ने जॉनाथन को इंस्टेंट स्पॉट करते ही। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।